बी पॉपुलर और बी ब्यूटीफुल। मुझे पॉपुलर नहीं बनना, सो बी ब्यूटीफुल। जी हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल राइट चूज किया है। राइट चॉइस, लेकिन कैसे मॉम? क्योंकि बेटा अगर तुम ब्यूटीफुल हो जाओगी तो तुम अपने आप पॉपुलर हो जाओगी, इसलिए। लेकिन मेरा फेस अभी तक चेंज नहीं हुआ। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक तुम्हारा फेस चेंज नहीं हो जाता तब तक तुम कोई भी मेकअप नहीं लगाओगी। देखो ये आ गई। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये इतना गंदा मेकअप लगाकर क्यों घूम रही है। आई थिंक ये अगली है इसलिए। हाय गाइस, दूर रहो हमसे, समझी? अब तुम ज्यादा देर तक हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि ना तो तुम ब्यूटीफुल हो और ना ही पॉपुलर, इसलिए यहाँ से जाओ। ओह, तुम यहाँ हो, थैंक गॉड मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ क्यों? मैं यहाँ तुम्हें ये कहने आई हूँ कि तुम प्रिंस की डांस पार्टी में नहीं जाओगी, समझी? डांस पार्टी? क्यों नहीं? क्योंकि मैंने सुना है डांस पार्टी में प्रिंस अपनी सोलमेट को चूज करने वाले हैं। लेकिन मैं वहाँ पर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहती प्रिंस तुम्हें देखे और तुम्हें चूज कर ले। काम डाउन काया, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रिंस इसे बिल्कुल भी चूज नहीं करने वाले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तो तुमने मुझे अपने ग्रुप से बाहर निकाला और अब तुम यहाँ आ गई। मैं यहाँ तुम्हें बस ये कहने आई हूँ कि प्रिंस की वाइफ बनने की कोशिश मत करना, तुम बहुत ज्यादा अगली हो, समझी? अटेंशन गर्ल्स, प्रिंस की डांस पार्टी के लिए क्लास की सभी लड़कियों को इनवाइट किया गया है। वाओ, मैं तो जरूर जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है प्रिंस मुझे चूज करेंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। सर, अगर पॉसिबल हो तो मैं भी इस डांस पार्टी को अटेंड करना चाहती हूँ, प्लीज। तुम डांस पार्टी में क्यों जाना चाहती हो? या तुम ये चाहती हो कि डांस पार्टी में सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी श्योर कभी नहीं होती। आई होप ये वर्क कर जाए। चलो एक शर्त लगाते हैं, जो भी प्रिंस को सबसे पहले अपने प्यार में पागल करेगा प्रिंस उसी के होंगे। नाइस, ओके, डील डन। वाओ ये वर्क कर गया, और मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। ओह माय गॉश, जिया को देखो, वो बिना मेकअप के भी कितनी अच्छी लग रही है। इस लुक में तो ये और भी अच्छी लग रही है, लेकिन हमें इससे बचकर रहना होगा। ये खतरा है क्योंकि प्रिंस इसे भी अपनी वाइफ डिसाइड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। प्रिंस कहाँ है? प्रिंस आप सबसे मिलने के लिए रेडी हो रहे हैं। वाओ, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, कब प्रिंस आएंगे और कब मुझे अपनी वाइफ के रूप में डिसाइड करेंगे। जेसिका, तुमने मेकअप क्यों लगा रखा है? मुझे तो लगा था यहाँ पर सिर्फ बिना मेकअप के आ सकते हैं। मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया है, ये मेरी नेचुरल स्किन है, ओके? मैं हमेशा से ही ऐसे ब्यूटीफुल दिखती हूँ। और मुझे जेसिका पर क्रश होने का बिल्कुल अफसोस नहीं है, वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इसने मेकअप लगा रखा है, ये इसकी नेचुरल स्किन नहीं हो सकती। एक्सक्यूज मी, तुम मुझ पर ब्लेम लगा रही हो क्योंकि तुम डरती हो कहीं प्रिंस मेरी जगह तुम्हें चूज ना कर ले। सीरियसली, देखते हैं कौन जीतता है। मुझे पता है मैं उससे शर्त हार जाऊंगी क्योंकि उसने मेकअप यूज किया हुआ है, पर मेकअप लगाने के बाद तो ऑब्वियसली वो मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी ना। डोंट वरी, तुम ही जीतोगी क्योंकि तुम यहाँ नेचुरल फेस के साथ आई हो। हर कोई जो अपना फेस पर मेकअप करता है वो अंत में पकड़ा ही जाता है। आपको कैसे पता कि मैं ही जीतूंगी? क्योंकि तुमने पॉपुलर की जगह ब्यूटीफुल चूज किया है। हाँ, मॉम ने कहा था कि अगर मैं ब्यूटीफुल हो जाऊंगी तो मैं अपने आप पॉपुलर बन जाऊंगी। दैट्स राइट, प्रिंस की वाइफ बनने के बाद तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगी। जिया, मुझे जेसिका के खिलाफ एक बहुत बड़ी न्यूज मिली है। और वो क्या है? मैंने सुना है कि वो प्रिंस को धमकी दे रही है कि वो उनके सीक्रेट का खुलासा कर देगी। हाँ, कैसा सीक्रेट? वो सबको बता देगी कि प्रिंस के डैड नहीं है और प्रिंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे अपनी वाइफ चूज करने के अलावा। हाँ? ओके एवरीवन, मैंने डिसीजन ले लिया है, जेसिका ही मेरी वाइफ होगी। बट योर मैजेस्टी, वो चीटिंग कर रही है, उसने मेकअप किया हुआ है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? और रियली, अगर ये बात सच है तो एक ही रास्ता है इसे प्रूव करने का, तुम दोनों इससे अपना फेस साफ करो जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। क्या क्या हुआ, तुम डर रही हो? नो, मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ, जस्ट शट अप। ओके ओके, हरी अप। ओके, अब तुम दोनों अपने वाइब्स मुझे दो, दिखाओ। ये रहा मेरा कॉटन, पर ये रहा मेरा प्रिंस। जिया, तुम्हारा बिल्कुल क्लीन है और जेसिका, तुम्हारे वाले टिश्यू पर मेकअप लगा हुआ है। आई एम सॉरी योर मैजेस्टी। जेसिका, मैंने तुम्हें विदाउट मेकअप नहीं देखा है और मैं तभी अपनी वाइफ डिसाइड करूंगा जब तुम अपना फेस वॉश करके आओगी। हाँ, मतलब मुझे अपना मेकअप रिमूव करना होगा। यस करेक्ट। मैंने जेसिका को पहले कभी भी बिना मेकअप के नहीं देखा है, अगर वो मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल निकली तो? जेसिका बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेगी, वो कोई प्लान बना रही होगी कि प्रिंस उसे ही चूज करे। हाँ, इसका मतलब उसे एक और चांस मिल गया प्रिंस को हासिल करने का। यस yes, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर अब मैं क्या करूँ? तुम ये मास्क लो और इसे पहनो, जब तुम इस मास्क को पहनोगी तो कोई तुम्हारी ब्यूटी को नहीं हरा पाएगा। ओके, मैं ये मास्क जरूर पहनूंगी, एंड थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ, कहाँ गई? जी हाँ, मैंने सुना है कि जेसिका सुंदर बनने के लिए एक पोशन पीने वाली है। मुझे पता था, मुझे पहले से पता था कि वो कुछ प्लानिंग कर रही है। लेकिन अब तुम क्या करोगी? मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या करूं। वाओ जेसिका, तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। यस योर मैजेस्टी, मेरी फ्रेंड हमेशा से ही ब्यूटीफुल है। हाँ जेसिका, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुम्हें मेकअप की जरूरत है ही नहीं। थैंक यू योर मैजेस्टी।
जिया तुमने मास्क क्यों लगाया है? जिया आई नो तुम डर रही हो, तुम प्रिंस को खोने से डर रही हो कि प्रिंस मुझे ना चूज कर ले। जिया तुम्हारा इंटेंशन क्या है? तुम यहाँ पर मेरी वाइफ बनने के लिए आई हो ना? यस योर मैजेस्टी। तो फिर तुमने मास्क क्यों पहना है? अब मैं तुम्हारा फेस कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे लगता है इसके फेस के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी इसने ऐसा मास्क लगाया है। मुझे भी यही लगता है। बस बहुत हुआ जिया, जल्दी से अपना मास्क निकालो अभी के अभी। बट प्रिंस। जिया अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पहले छोड़कर जाना होगा। जैसा कि तुम कह रही हो कि तुम ब्यूटीफुल हो तो जल्दी से अपना मास्क उतारो। फाइन फाइन मैं अपना मास्क निकाल रही हूँ। हाँ तुम्हारा फेस चेंज हो गया। हाँ इस जिया का फेस तो बिल्कुल अलग पर्सन जैसा दिख रहा है। वेल अगर ये जिया अपने फेस को चेंज कर सकती है तो मैं भी करना चाहती हूँ। ओके जैसिका अपना फेस चेंज करने के लिए मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो जैसिका भी अपना फेस चेंज करना चाहती है। जो मास्क मैंने तुम्हें दिया था मेक श्योर कोई और उसे यूज ना कर पाए। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर किसी और ने उसे यूज किया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुम जल्दी से उस मास्क को फेंक दो। ओके मैं अभी जाकर उस मास्क को लेकर आती हूँ। मास्क कहाँ गया? मैंने तो यही रखा था। मुझे जल्दी से उस मास्क को ढूंढना होगा, इससे पहले कोई और उसे पहने मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा। काया जैसिका कहाँ है? पता नहीं काफी टाइम से मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने जहाँ पर मेरा मास्क रखा था वहाँ से मेरा मास्क गायब है और मुझे पता है जैसिका ने मेरा मास्क लिया होगा। वेल ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा मास्क लगाकर वो भी अपना फेस चेंज कर लेगी। मेरा मास्क सिर्फ एक ही बार काम करता है और दोबारा किसी ने उसको पहनने की कोशिश की तो कुछ भी बुरा हो सकता है। ओह नो फिर तो हमें जल्दी से जैसिका को ढूंढना होगा, कहीं वो मास्क ना पहन ले। चलो जैसिका आई नो मेरा मास्क तुमने ही लिया होगा। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? जैसिका जल्दी से अपना मास्क उतारो। हाँ काया तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम इस जिया के साइड क्या कर रही हो? जैसिका तुम मेरी बात मानो, अपना मास्क उतारो वरना कुछ बुरा हो सकता है। जैसिका तुम अपना मास्क उतारो, मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चूज करना है। ओके यू मैजेस्टी मैं अपना मास्क उतार रही हूँ। जैसिका तुम्हारा फेस क्या हुआ? माया मेरा फेस ठीक तो है ना? तुम्हारा फेस चेंज नहीं हुआ। ये मेरा फेस इतना हर्ट क्यों कर रहा है? जिया आर यू ओके? मेरे फेस पर बहुत ज्यादा जलन हो रही है। ओह माय गॉश जिया का फेस तो इसका फेस तो बिल्कुल रेड हो गया है। व्हाट? हाँ मेरा पूरा फेस रेड कैसे हो गया? मुझे यहाँ से जाना होगा। ये मेरे फेस के साथ क्या हो गया? ऐसे तो प्रिंस मुझे कभी प्यार नहीं करेंगे और मैं कभी प्रिंसेस नहीं बन पाऊंगी। तुम्हें किसी को भी वो मास्क नहीं पहनने देना चाहिए था। यू ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हे ये लो ये ड्रिंक पियो, इससे तुम्हारा फेस पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। ओके मैं अभी इसे पी लेती हूँ। हाँ तुमने मुझे कहा था कि मैं पहले जैसे हो जाऊंगी, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं ऐसे हो जाऊंगी। अब तो प्रिंस मुझे बिल्कुल भी चूज नहीं करेंगे, वो मुझे ऐसे देखकर डर जाएंगे। काम डाउन, तुम पैलेस में जाओ और प्रिंस को अपना रियल फेस दिखाओ। नहीं मैं पैलेस में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, अगर उन्होंने मुझे ऐसे देखा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं इतनी गंदी दिखती हूँ। नहीं उन्हें पता चल जाएगा कि तुम अंदर से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ऐसा नहीं होगा, उन्हें एक ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए, मेरे जैसी भद्दी लड़की नहीं। ट्रस्ट मी जिया उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे दिखती हो, तुम अंदर से बहुत ब्यूटीफुल हो। ओके यू जिया तुम्हारा फेस पहले की तरह नॉर्मल हो गया है, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम सब कुछ झूठ बोल रही हो, अब तो प्रिंस डेफिनेटली मुझे ही चूज करेंगे। जैसिका तुम झूठ बोल रही हो। काया तुम अपना मुंह बंद रखो प्लीज। वेल ब्यूटीफुल दिखने के लिए जैसिका ने पोशन पिया है। नहीं ये झूठ बोल रही है। इनफ मैंने डिसाइड कर लिया मैं किसे चूज करूंगा। किसे चूज करेंगे आप? मैं जिया को चूज करूंगा। सच में? सच में लेकिन इसे क्योंकि मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ ये शुरू से ही सच बोल रही है। मैंने रियलाइज किया है कि इंसान बाहर से नहीं अंदर से खूबसूरत होता है और जिया तुम अंदर से बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू योर मैजेस्टी ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। चलो काया यहाँ से चलते हैं। नहीं इतनी बड़ी वेडिंग को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। फाइन मैं जा रही हूँ। काया थैंक यू सो मच तुमने मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच। इट्स ओके एंड सॉरी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया, और मुझे पता है प्रिंस की प्रिंसेस बनने के लिए तुम ही बेटर हो। जिया यू मैजेस्टी सॉरी जिया मैंने पिक करने में इतना लंबा टाइम लगा दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। इट्स ओके सो शादी के लिए आज कौन सा टाइम ठीक रहेगा? आज ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है जिया? सच में? हाँ जिया क्यों नहीं। ओके आई एम रेडी। ये चलो सब लोग रेडी हो जाओ। गाइज अगर आप सबको स्टोरी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।